मध्य प्रदेश के बैतूल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सस्ती बिजली देना और किसानों का कर्जा माफ़ किया तो क्या मैंने पाप किया था या कोई गुनाह किया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल में आधा प्रतिशत भी इन्वेस्ट नहीं हुआ है, ये सब नाटक नौटंकी है। ये चुनाव का कोई शुरुआत नहीं होती, कोई अंत नहीं, सब लगे हैं और लगे रहेंगे मतदान के दिन। इन्वेस्टर समिट हुई उससे कितनी उम्मीद है, 29 लाख रोजगार देने का वादा किया है। ये पिछले 5 सालों में इन्होंने पिछले 10 साल में 5 इन्वेस्टमेंट समिट और 0.3 आधे प्रतिशत से कम इन्वेस्टमेंट यहाँ है। बात हुई है कि जातियों को लड़ाओ, धर्मों को लड़ाओ, विवाद पैदा करो, ये आज विवाद से हम कहां पे पहुंचे। हमारी सरकार बनी थी 15 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने निकाला और कांग्रेस की सरकार बनाई। कैसा प्रदेश हमें सौंपा था, ऐसा प्रदेश दिसंबर 2020 में शिवराज सिंह जी ने सौंपा, जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा था। हमने शुरुआत करी थी कि हम अपने कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाएं। हमने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाएं। हमने शुरुआत करी थी कि हम आर्थिक गतिविधि बढ़ाएं, हम क्रय शक्ति बढ़ाएं। ये किराने की दुकान भी गांव में चलती है जब किसानों के जेब में कुछ पैसा होता है, किसानों के साथ न्याय हुए, उनको सही मूल्य मिले। आज का मूल्य देख लीजिए, आज कैसे किसान को भटकना पड़ रहा है।